बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसे हमने क्या करना है, नंबर्स के स्केयर्स फाइंड करने हैं। तो स्केयर की डेफिनेशन देख लें पहले। स्केयर ऑफ ए नंबर से क्या मुराद है? द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्केयर ऑफ द नंबर। किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का स्केयर होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 का स्केयर होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें वो उसका स्केयर होगा। तो किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसे हम कहते हैं स्केयर ऑफ द नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर आपको दिया हुआ है, इसका हमने स्केयर फाइंड, ये नंबर 7 है तो 7 का हमने स्केयर फाइंड करना। कैसे करेंगे? 7 के ऊपर 2 लिख देंगे। जब किसी नंबर की पावर 2 लेते हैं उसे हम कहते हैं स्केयर ऑफ द नंबर। तो 7 के ऊपर 2 लिख दिया, ये इसका 7 का स्केयर बन गया। इसका नाम 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से कितने होते हैं? 49, एंड दिस इज योर आंसर। 11 है, 11 का स्केयर फाइंड करना है। 11 के ऊपर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 11 ज़्यादा कितने होते हैं? 121। उसके बाद है नंबर दिया हुआ आपको 19, तो 19 का स्केयर हमने फाइंड करना है। 19 के ऊपर 2 लिख देंगे। अब 19 को आपने 19 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है? 361। इसको मल्टीप्लाई कर लें। 25 का स्केयर फाइंड करना है, 25 की पावर 2 लिख देंगे। तो 25 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 625। 37 है, 37 का स्केयर फाइंड करना है तो 37 को इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर का स्केयर फाइंड करना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 37 का स्केयर, 37 स्केयर इज इक्वल 1369, 1369। ये 75 है तो 75 का स्केयर फाइंड करना है। 75 स्केयर इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 75, इसको मल्टीप्लाई करें 5625, 5625, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? राइट समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्केयर्स। इसका स्केयर है तो हमने इसका स्केयर फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है? समेशन पैटर्न लिखना है, यानी कौन से नंबर हैं जिनको हम ऐड करें। तो 36 का स्केयर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 36 होता है ना, तो इसका समेशन पैटर्न लिखना है हमने। तो समेशन पैटर्न लिखने का क्या तरीका है? ये देखें, नंबर 6 है ना, तो हमने 6 1 से शुरू करना है, जिसमें इक्वल क्या लिखेंगे? 1+2 +3+4+5+6। जिस नंबर का स्केयर लेना है उसका हमने समेशन कहते हैं जमा करने को, ऐड करने को, प्लस करने को। तो हमने उस 1 से शुरू करके उस नंबर तक हमने प्लस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हमने वापस आ जाना है, 6 से नीचे आना है, 5, 4, 3, 2 और 1। इन सब को अगर प्लस करके देखें तो 36 आ जाएगा। 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 कितने हो गए? 15। ये वाले 15 हो गए, ये वाले 15, तो ये वाले भी 15 है। 15+15 कितना हो गया? 30। और 30 में 6 प्लस करें कितना है? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्केयर का समेशन पैटर्न है। ये 7 स्केयर है तो क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे, 7 तक जाएंगे, 1+2+3+4+5+6+7। फिर आपने नीचे आ जाना, काम करते जाना। 7 के बाद क्या लिखें? 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 स्केयर है तो इसका समेशन पैटर्न लिखना है। तो 1 से लेकर 4 तक, 1+2+3+4, फिर वापस 3, 2, 1।
तो फाइव स्क्वायर इसका समेशन पैटर्न लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये वापसी शुरू हो जानी है, ये नीचे आना है 4 3 2 1। फिर 3 का समेशन पैटर्न लिखना है हमने, तो 3 का समेशन पैटर्न हम कैसे लिखेंगे, 1 से 3 तक लिखेंगे, 1 + 2 + 3, ये वापस 2 1। 8 का लिखना है तो 1 से 8 तक लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, फिर वापस आ जाएंगे नीचे की तरफ, 7 6 5 4 3 2 1। ये अभ्यास 1.4 से कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।